हे एवरीवन, दिस इज सौरभ फ्रॉम टेक बैटल। सो आज मेरे चेहरे पे जो आप खुशी देख रहे हो, उस खुशी का रीज़न है इस बॉक्स में। सो आपने थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही लिया होगा कि इस बॉक्स में आखिर में है क्या। इस बॉक्स में है RTX 3060 फाउंडर्स एडिशन। सो गाइस, ये ग्राफिक कार्ड जो फाउंडर्स एडिशन के ग्राफिक कार्ड होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो जो NVIDIA की कंपनी है ना, वो GPU की डाई बनाती है। GPU का जो डाई है वो मतलब जो चिप है एक्चुअल, वो NVIDIA बनाती है। बाद में ये Asus, Gigabyte, MSI, Zotac, ये सारी कंपनीज वो डाई को परचेज करती हैं और फिर उस पर एक अपना कूलिंग सिस्टम, फैंस वगैरह जो भी हैं और उनके जो डिज़ाइन है वो सब करके उसे ग्राफिक कार्ड में कन्वर्ट करती हैं, तब जाके वो आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि जो GPU होता है वो सिर्फ डाई को कहा जाता है GPU, और जो ग्राफिक कार्ड होता है उसमें डाई प्लस जो फैंस वगैरह होते हैं उनको पूरा एडिशनल चीज़ें, वो होती है ग्राफिक कार्ड। तो इस फाउंडर एडिशन ग्राफिक कार्ड में स्पेशल ये है कि जब NVIDIA GPU डाई बनाता है तो वो NVIDIA अपने खुद के ही ग्राफिक कार्ड भी बनाता है, जिसे हम कहते हैं फाउंडर्स एडिशन, जो कि NVIDIA का ही होता है पूरी तरह से। उसमें जो आप फैन वगैरह देख सकते हो, जो भी मैकेनिज्म होता है वो NVIDIA के द्वारा ही किया जाता है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, वर्ल्ड में उतने सारा नहीं बनते, आपको बाकी दूसरे ही कंपनीज के देखने को मिलते हैं, और ये इसलिए फाउंडर्स एडिशन स्पेशल है। और सबसे ज़्यादा बड़ी स्पेशल वाली बात ये है कि ये फाउंडर्स एडिशन NVIDIA के द्वारा दिए हुए MSRP पे मिलते हैं। मतलब RTX 3060 Ti जब लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस अराउंड इन्होंने रखी थी 36,000 रुपीज़, बट आप दूसरे मार्केट में देख रहे हो प्राइस, आप ले रहे होगे तो आपको पता ही होगा प्राइस हो रही है अराउंड 80,000। बट ये जो फाउंडर्स एडिशन है अगर आपको मिलता है तो आपको MSRP में ही मिलता है। तो यस, मुझे ये कार्ड 36,000 रुपीज़ में ही मिला और मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी मानता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा है, और बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मुझे ये कार्ड मिला है। सो गाइस, इंडिया में ये फाउंडर्स एडिशन कार्ड को RPTech नाम की कंपनी इंपोर्ट करती है। तो इनके वेबसाइट पर आपको फाउंडर्स एडिशन के कार्ड्स देखने को मिलते हैं, बट वो हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, और वो इतने ज़्यादा जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं इसलिए इन्होंने इसे जो बेचने का तरीका है वही बदल दिया है। अब क्या होता है, आपको इसके लिए रजिस्टर करना होता है। आप रजिस्टर करते हो तो आपको ईमेल आता है, फिर ईमेल में आप कंफर्मेशन देते हो, फिर आपको परचेस लिंक आएगी, तब जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। बट वो बहुत ही कम लोगों को आता है और वो बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद आता है। लिटरली ये ग्राफिक कार्ड हमने फरवरी में रजिस्टर किया था और अब जाके हमको ईमेल आया एक दिन अचानक से, और हम शॉक हो गए और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और जो कार्ड हमको चाहिए था 3060 Ti, वही हमें मिला है और वी आर वेरी हैप्पी। इफ़ यू आर बाइंग GPU राइट नाउ, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल है इस प्राइस पे मिलना, और बहुत ही रेयर है ये। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और भी अगर इसके वीडियोस मैं आने वाले टाइम में डालूंगा कि कैसे परफॉर्मेंस देता है, क्या कॉम्बिनेशन पे हम चलाएंगे इसे, सब आपको आने वाले वीडियो में मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करना आपके लिए वर्थ होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।